गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश में यहाँ पर आपके लिए देखने को मिल जाता है, नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है जिसे आप खुद देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर आई हुई है सेकेंड डेट, यहाँ पर देख रहे थे खुद ही 2 फेब है, जो 17 फेब्रुवरी को यहाँ पर की गई रिलीज़ हुई है, जहाँ पर AP विद्याना परिषद में यहाँ पर रिक्रूटमेंट रिलीज़ हुई है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। ओके, एंड आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको क्या दिखता है, एप्लीकेशन फॉर्म आर इन्वाइटेड थ्रू ऑफलाइन मोड से की गई है। आप इस पोस्ट के बारे में, सभी पोस्ट के बारे में जानेंगे कौन कौन से पोस्ट आई हुई हैं और क्या क्या यहाँ पर रेमोनरेशन कितनी होगी, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट एंड पोस्ट जोन बता दिया जाएगा। ओके, तो देख लेते हैं। रेडियोग्राफर का पोस्ट है, जहाँ पर 18 से 42 ईयर कम्प्लीट होनी चाहिए, 18 to 42 ईयर्स कम्प्लीटेड एज लिमिट है ये, ठीक है, इसके बीच में आपका एज होना चाहिए। रेमोनरेशन पर मंथ इन रुपीज़ में 21,500 रुपीज़। नंबर ऑफ वैकेंसी 6 पोस्ट, 6 वैकेंसी सिर्फ यहाँ पर चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट आउटसोर्सिंग है और पोस्ट कैटेगरी जॉन है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर पोस्ट कोड देख सकते हैं, नेम ऑफ पोस्ट थ्रिट असिस्ट, पोस्ट मोर्टम असिस्ट, लैब टेक्नीशियन का, लैब अटेंडेंट का है, और काउंसलर का है, ऑडियन मेंशन का है, और डेंटल टेक्निकल का है। नेक्स्ट साइकोथेरेपिस्ट, जो 18 to 42 ईयर्स कम्प्लीट होना चाहिए, इसमें 15,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। एक ही वैकेंसी सिर्फ अवेलेबल है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट आउटसोर्सिंग है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्स है। तो इस तरीके से आपको 14 पोस्ट जो है दिख जाते हैं, जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी पोस्ट देख सकते हैं, 171 वैकेंसीज चाहिए। सभी पोस्ट के बारे में आपको जानना है तो आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते ही आप देखेंगे कि इस पोस्ट के बारे में क्या एजुकेशन, क्या अकेडमिक क्वालिफिकेशन, वेरियस पोस्ट, क्या कैटेगरीज, क्या क्या सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट आउटसोर्सिंग या और सैलरी रेमोनरेशन पर मंथली कितना मिलता है, कौन से कैटेगरी के लिए। रेडियोग्राफर के लिए यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, आउटसोर्सिंग ये है आपका, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट आउटसोर्सिंग है। आपकी रेमोनरेशन पर मंथ कितनी दी जाएगी, 21,500 रुपीज़। इस तरीके से आप यहाँ पर पूरी प्रोसेस देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे इसी तरीके से, मतलब पूरा PDF में पूरी की पूरी जानकारी इस जॉब के बारे में दी गई है, जिसे आप पढ़ेंगे तो ही ये समझ में आएगा। पहली बात तो ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है, आप पढ़ेंगे समझ में आएगा, आप समझ में आएगा तो आप इस पोस्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं, सभी चीज़ों को देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, ठीक है। लास्ट तक यहाँ पर कुछ लिखा, ठीक है, लास्ट में यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाते हैं, जहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं और जा कर के सबमिट कर देते हैं, तो आप इस जॉब को अप्लाई कर देंगे, हाथ से गवा नहीं देंगे, ठीक है, पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर आप इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए काबिल हैं, एलिजिबल हैं, तो आप इस पोस्ट को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, या फिर आप किसी फ्रेंड्स को बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, सभी इजी यहाँ पर फिल करने के जो यहाँ पर ब्लैंक्स है, नेम है, जेंडर बतानी होती है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सोशल स्टेटस, वेदर, सभी चीज़ें इजी है। 2 PDF है, मतलब 2 पेजेस हैं, यहाँ पर आप फिल करके सबमिट कर देना। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। PDF में पढ़ेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा, कहाँ पे क्या करना होता है, किधर पे जाकर सबमिट करनी है, कैसे किस तरीके से। ओके, सो आई होप आपको सारी डाउट्स क्लियर हो गए रहेंगे और कोई परेशानी नहीं होगी। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को चेक कीजिएगा लास्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।